इस वीडियो में बात करें यार, जो पीछे ग्रीन स्क्रीन है उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हो और बैकग्राउंड में जो चाहिए इमेज आप लगाना चाहते हो उसको कैसे आप लगा सकते हो, इस वीडियो में सारी कुछ डिटेल से जान लेंगे। लेकिन गाइस इस वीडियो में मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस काइनमास्टर से आप 100% से जो क्रोमा की का जो फीचर है वो 100% से आपको जो ग्रीन स्क्रीन है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए इस वीडियो में मैंने वीवाकट एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये बहुत ही बढ़िया एडिटिंग एप्लीकेशन है। इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो ग्रीन स्क्रीन को, कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हो, इंक्रीज़ भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। कैसे करनी है इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार लाइक ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि यार आगे तो ज़रूर कर लेंगे। लेकिन गाइस वीडियो अच्छी लगी तो एंड में जाते जाते लाइक कर सकते हो, और यार अच्छी लगी तो वीडियो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस इस वीडियो को डिटेल से जान लेंगे, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं तो इस वीडियो को हम डिटेल से जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस मैं पहले वीवाकट एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ यार। ओपन करने के बाद जो इंटरफेस शो हो रहा है ये वीवाकट एप्लीकेशन का इंटरफेस है यार। मैं यहाँ पे जो क्रिएट का आइकन है प्लस पे, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड में इमेज रखनी है यार उसको सेलेक्ट कर लेनी है, मतलब ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके जो बैकग्राउंड आप रखना चाहते हो वो बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ डाउनलोड कर रखे थे बैकग्राउंड, इसको मैं सर्च यहाँ पे टाइमलाइन पे ला चुका हूँ। इसकी थोड़ी टाइम में इंक्रीज़ कर लेता हूँ। बाद में यहाँ पे जब आपको नीचे ओवरले के ऊपर आना है, ओवरले के ऊपर आने के बाद अब वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जो आप उसकी बैकग्राउंड जो रिमूव करना चाहते हैं, मतलब इस वीडियो को, मतलब जो आप वीडियो देख रहे हो यार उसी का भी मैंने यहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ उसको। मैंने आप यहाँ पे जो वीडियो आ चुके हैं मतलब यहाँ पे इसको ज़रा एक्सपेंड कर लेता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद गाइस यहाँ पे जो नीचे देख सकते हो यहाँ पे क्रोमा की का जो ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करके जो पिक करे यार इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद आपको थोड़ी यहाँ पे वेट करनी होगी, मतलब तो ये प्रोसेस होना ही मैं थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे थोड़ी आपको वेट कर लेनी है। वेट करने के बाद ये अपने आप ही जो ग्रीन स्क्रीन यार यहाँ पे जो रिमूव हो जाता है, मतलब इसके थोड़ा एक्यूरेसी मैं बढ़ा लेता हूँ। ओके मतलब ये थोड़ा टाइम ले रहा है सॉरी। यहाँ पे जो आपको हाँ ओके यहाँ पे जो ये बहुत ही मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी हो गया है, मतलब यहाँ पे इसका जो एक्यूरेसी आप इसको कम कर सकते हो। यहाँ से अगर कम करोगे ना यार, इसको मैं यहाँ पे ऊपर रख लेता हूँ, मतलब जो यहाँ पे लाइटिंग आप इसे एक बार दो तीन बार ट्राई कर सकते हो, मतलब जहाँ पे अच्छी लाइटिंग आ रही है वहाँ से आपको इसे बढ़ानी है। मतलब अब मैंने 15 के ऊपर रख लिया। तो गाइस आप अपन देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से जो सारा ग्रीन स्क्रीन है यहाँ से जो रिमूव हो चुका है। मतलब ये जो सेटिंग है यार ये काइनमास्टर में आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे वीवाकट का जो एप्लीकेशन का यूज़ कर लिया, मतलब मैं इसको 16 पे रख दूँगा। 16 पे रखने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से मतलब जो भी स्क्रीन है यार सब कुछ यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब मैं इसका जो थोड़ा ब्राइटनेस जो है उसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही डार्क लग रहा है वीडियो। ओके मैंने यहाँ पे 2 पे ब्राइटनेस जो 2 पे रख चुका हूँ, मतलब यहाँ से आप इसकी जो सैचुरेशन है उसको भी बढ़ा सकते हो। इस तरीके से गाइस आप भी जो भी चाहते हो अपने जो बैकग्राउंड में रहना चाहते हो रखना चाहते हो उस वीडियो को आप अपनी जो बैकग्राउंड में रख सकते हो। वीवाकट एप्लीकेशन वन ऑफ द बेस्ट है यार, काइनमास्टर का बिल्कुल भी मत यूज़ करो। वीवाकट से आप जो अच्छी तरीके से एडिटिंग कर सकते हो, इस तरीके से गाइस आप जो ग्रीन स्क्रीन है उसको रिमूव कर सकते हो। होप गाइस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो गाइस अभी एक बार इस वीडियो को रिपीट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करके इस तरीके से क्वालिटी वीडियोज़ कभी भी आप मिस नहीं कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं यार अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।